तुमने इस घर को होटल समझा कि जब दिल चाह तुम जाओगी और जब दिल चाह वापस आओगी। अली वो मेरा घर है, उसी तरह जैसे आपका ये घर है। और मैं यहाँ भाग कर नहीं आई हूँ, आप अपनी मर्जी अपनी खुशी से मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ खुल के सांस भी ले सकती हूँ। तुम्हारी सांसें तो मैं बंद करता हूँ ना। अली मुझे औरतें सख्त बुरी लगती हैं जो अपने हस्बैंड के आगे बोलती हैं। फिर आपको अपनी माँ कैसे अच्छी लग सकती है? पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। क्यों कोई काम था? अच्छा कोई काम ही होगा तो तुम्हें ढूंढूंगा। तुम बिजी हो किसी वजह के तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता। कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। काश आप ये कहते कि जो कुछ कल हुआ वो आइंदा कभी नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा, सच में ने कल मुझे गुस्सा दिला दिया, वरना ऐसा नहीं होना था। देखो लीना, आइंदा अम्मी के बारे में कोई बात ना करना, उनके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं। किसी बात पर भरोसा नहीं है बाप के। सॉरी प्रास्ते, कल जो कुछ हुआ गुस्से की वजह से हुआ। ये सब कुछ गुस्से में ही होता है, कोई किसी को खुशी से थप्पड़ नहीं मारता या गला नहीं दबाता। तो सॉरी कह तो रहा हूँ, और क्या करूँ? आसान नहीं भूलूं। प्लीज जरूर प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मैं वादा करता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो आइंदा नहीं होगा। मुझे यकीन करो। इस कुछ देख लिया अकेला छोड़ के। इतना तो हक दे कि मैं कुछ देर अपने साथ अकेले वक्त गुजार सकूं, प्लीज। Thank you.